आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं, आप जरा गौर करके देख लीजिए पहले क्या होता था। हम आप ही से पूछते हैं क्या था 2005 के पहले क्या था, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं। 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? एक चीज नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा पुलिस पूरे तौर पर जांच कर रही है, छोड़ा कैसे जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में, मैं रतन सेन भारती। आज बिहार में यानी कि कहें बिहार की राजधानी पटना में आर ब्लॉक से लेकर दीघा तक में एक अटल सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस मौके पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बिहार में एक चर्चित हत्याकांड रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर जब मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया तो वो तिलमिला गए। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा मीडिया से। हर परियोजना काम कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो आगे आज भी एक बार हम लोग पूरा देख लेंगे ताकि कहीं और कोई, चूंकि आप जानते हैं कि जब कोई चीज प्रारंभ होता है तो उस समय अगल बगल की जो आबादी है और जितने बिल्डिंग है, अब जरा जा करके देख लीजिए पटना में, कोई पहले कल्पना कर सकता था किस तरह से कितने भवनों का निर्माण हुआ है, बहुमंजिले भवनों का, इमारतों का निर्माण जो हुआ है पटना में, जरा जा करके देख लीजिए। हम लोग जो एक रोज एम्स से लेकर के दीघा तक का जो काम किया है हम लोगों ने, उसका उद्घाटन करके जो घूम रहे थे, तो हम लोग तो सब जगह नहीं जाते हैं, पहले जाते रहते थे, लेकिन जब उस दिन देखा तो लगा साहब कितना बन चुका है ये बहुमंजिला समूचा, तो उसको देखा तो उसी तरह से अब देख लीजिए कि कितना ज़्यादा विकास हुआ है। और पहले लोग कल्पना करते थे, आने जाने का कोई रास्ता था, किस तरह से कठिनाई से चलते थे, तो चारों तरफ अब जिस तरह से काम हुआ है और हो रहा है, और सिर्फ राजधानी पटना में नहीं, पूरे बिहार में हर जगह काम हो रहा है। और हम लोगों का पहला लक्ष्य क्या था कि सुदूर इलाके से पटना आने में, राजधानी पटना आने में 6 घंटे का समय लगना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब लक्ष्य रख दिया है कि 5 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इसके चलते कितने और सड़कों का चौड़ीकरण, कितने पुलों का निर्माण कार्य चल रहा पूरे बिहार में, तो ये तो देखने वाली बात है। और लोगों को हम तो आप लोगों से कहेंगे कि कभी कभी खुद भी जब लिखते हैं तो एक आध चीज, कभी पहले क्या बुरा हाल था इसके बारे में भी, और अभी क्या हाल है इसकी भी चर्चा करिए। और जो इतना काम हो रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और भी कहीं निर्माण का कार्य, क्योंकि जो पत्रकार बंधु हैं ये भी हर जगह घूमते रहते हैं, उनके पास भी बहुत लोग अपनी बात रखते हैं, अगर आप लोगों का भी एडवाइस मिलेगा कि भाई इन जगहों पर और ज़्यादा देख लीजिए, थोड़ा बेहतर ढंग से पथ के निर्माण का, या कहीं कुछ बनाना पड़ेगा, आरओ भी बनाना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा तो बहुत खुशी की बात होगी, हम आप सबको धन्यवाद देंगे। तो आज तो इसी काम के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे तो बहुत सड़कों पर अपराधी घर के बाहर गोली मार के चले जा रहे हैं। देखिए, आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए, अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया, ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह
और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं नहीं, ये सवाल आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। लेकिन एक एक चीज फिर भी दुख होता है, अगर कहीं किसी की हत्या हो यह दुखद है। और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है, और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा, और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसके लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है, अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो चीज भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन है, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछिए। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। और ये अटल पथ का आज जो एक हिस्से का निर्माण हो गया है, आज इसके लिए मैं पथ निर्माण विभाग को, माननीय मंत्री जी को और इनके तमाम अधिकारियों को इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिल्कुल एक चीज नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा पुलिस पूरे तौर पर जांच कर रही है, छोड़ा कैसे जाएगा। अपराधियों को जानकारी है, पुलिस को जानकारी, एकदम पुलिस को जानकारी दे, हम कह देते हैं। नहीं, हम कह देंगे, ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, ये काम संवैधानिक रूप से पुलिस का काम है, इसलिए कोई भी सूचना मिलती है जरूर पुलिस को बताइए। आपसे हम आग्रह करेंगे और हम कह देंगे, हम डीजीपी को बोल देंगे, आप किसी और को नहीं, डायरेक्ट डीजीपी को बता देंगे। हम देख लेंगे, हम आज ही पूछेंगे, अरे हम अभी पूछ लेंगे। तो आपने सुना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से क्या कुछ कहा और कैसे वो तिलमिला गए, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किया, आइए हम सबसे पहले देखते हैं उस ट्वीट में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को क्या कुछ कहा है। कुछ ही देर पहले उनका जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ उठाकर अपराधियों के सामने किया सरेंडर, कहा कोई नहीं रोक सकता अपराध, हड़प्पा काल में भी होते थे अपराध, जरा तुलना कर लीजिए। उल्टा पत्रकारों से पूछ रहे हैं क्या आपको पता है कौन है अपराधी और वो क्या करते हैं अपराध। इसके उससे कुछ देर पहले उन्होंने तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया था जिनमें उन्होंने लिखा था जनहित में जारी, कृपया आप सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए, बिहार की इस अनैतिक असमर्थ सरकार में विधि व्यवस्था समाप्त है, सत्ता संरक्षित अपराधी कभी भी कहीं भी तांडव कर किसी को भी लूट अपहरण कर गोली मार देते हैं, बलात्कारी सरेआम माँ बहन बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा, अपराधी अपनी सुन नहीं रहे क्योंकि RCP टैक्स योजना के तहत उनका पदस्थापन होता है, अधिकारी जन प्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते, भ्रष्टाचार चरम पर है और कुर्सीवादी सिद्धांतहीन तोड़जोड़ की सरकार अपना अपना हिस्सा बांटकर गहरी निद्रा में है। तेजस्वी की तरफ से किए गए इस हमले के बाद से अब देखना यह दिलचस्प है कि जदयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद से बिहार में नीतीश सरकार की खासी किरकिरी हुई है, ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प है कि जदयू यानी कि बिहार सरकार नीतीश सरकार कौन सा नया रुख अख्तियार करती है। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।